भीड़ है। तो दोस्तों वी आर डन विद वोटिंग ईयर और हम लोग अगले 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों में सो रहे होंगे तो मेरा उनके लिए मैसेज ये है कि भाई 5 साल गवर्नमेंट से काम कराना यार, कुछ घंटे निकाल लो। दोस्तों मैंने अपने वोटिंग राइट का यूज़ कर लिया, आशा करता हूँ आप भी अपने मताधिकार का यूज़ कर रहे होंगे अगले 5 साल के लिए अपने राज्य के प्रतिनिधि को चुनने के लिए। और अगर आपने मताधिकार का अपने प्रयोग नहीं किया है तो फिर आपके पास ये राइट नहीं है सरकार को कुछ बोलने का कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। क्योंकि एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। और यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर आप एवरेज सीटिंग देखेंगे स्पेशली कोरोना टाइम में भी, तो वो 150 से 160 डेज वहाँ के जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपने पार्लियामेंट में बैठे हैं पिछले कुछ सालों में, ठीक है। ये एक साल का है। और न केवल यूके, अगर आप यूएस या जापान की भी अगर सीनेट का या फिर वहाँ की संसद की अगर आप सिटिंग चेक करेंगे तो 150 टू 160 डेज वो पिछले साल ओपन हुआ है वहाँ के लोग, वहाँ के नेताओं ने पार्लियामेंट में जाकर के काम किया। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें स्पेशली राज्यसभा की, तो इंडिया में जो पिछले 10 साल का 2012 से लेकर के 2021 तक की जो सिटिंग का एवरेज है, अगर मैं बात करूँ मिनिमम की, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की, तो वो उड़ीसा की है। 45 या 46 दिन पिछले साल 2021 में वहाँ पे सिटिंग हुई है। और पिछले 10 सालों का भी एवरेज उड़ीसा का बेस्ट है। और सबसे लोएस्ट एवरेज जो है वो 14.5 डेज़ है वो पंजाब का, यानी कि पिछले 10 सालों में पंजाब की जो राज्यसभा है वहाँ पे जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो 14.5 डेज़ ही जा करके काम किया है उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों को बदलना तो आप सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाओ, जो कि आजकल के न्यूज़ चैनल पे होती फालतू की डिबेट्स होती है टीआरपी बटोरने के चक्कर में, उनके चक्कर में आप ना पढ़ो। आप अपने सोशल मीडिया का, अपने हैंडल्स का आप सही यूज़ करो। सबसे पहले तो आप सही पार्टी को चुनो, उसके बाद उस पार्टी से सही तरीके से काम करवाने के लिए भी आप सही मुद्दों को उठाओ। ये नहीं कि हमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये काम दूसरी अथॉरिटीज़ का है, ये काम सरकार का नहीं है। सरकार पहले पार्लियामेंट में जाकर के काम करेगी हमारी डेवलपमेंट के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए, चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए, गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए, जो कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम सो रहे हैं, हम अपने राइट का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो आगे फिर क्या ही होगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये, हम जब भी पार्टी चुनते हैं तो दोस्तों होता क्या है, बायसनेस होती है हर एक की, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, आई एग्री, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कोशिश तो करो, होता क्या है एक बंदा राइट विंग में जाकर के सोचता है, एक बंदा लेफ्ट विंग में जाकर के सोचता है, एक बंदा एक्सट्रीम राइट विंग या एक्सट्रीम लेफ्ट विंग में चला जाता है। और ये सारी चीज़ें मेरे लिए, आपके लिए और अपनी कंट्री के लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको करेक्ट पॉलिटिकल पार्टी चुननी है तो आपको सेंटर में रह करके ही चुनना होगा। क्योंकि अगर आप जब सेंटर में रहोगे, आप न्यूट्रल होकर के किसी भी पार्टी के बारे में सोचोगे, तभी आप कोई पार्टी अगर काम कर रही है मेहनत कर रही है तो वो सारी चीज़ें, वो डेवलपमेंट आपको तभी दिखाई देगा जब आप सेंटर में होगे, ठीक है। और कोई पार्टी अगर गलत काम कर रही है, गलत मुद्दे उठा रही है, लोगों को भड़काने का, नफरत फैलाने का काम कर रही है, तो वो चीज़ें भी आपको तभी दिखेंगी जब आप सेंटर में होकर के देखोगे। अगर आप लेफ्ट विंग में होकर के किसी पार्टी को एनालाइज करोगे या फिर ग्राउंड में पे क्या हो रहा है वो चेक करोगे ना, तो आपका ऑलरेडी आपका जो आइडियोलॉजी है वो एक तरफ इंक्लाइन हो चुकी है, तो आपको दूसरे साइड की ना प्रोग्रेस दिखेगी ना अपने साइड की आपको कमियां दिखेंगी। अगर आप राइट विंग में चले जाओगे तो सेम वहां पर भी आपके साथ होगा लेकिन अपोजिट तरीके से। जब आप सेंटर में रहोगे तभी आप अगर हर पार्टी के बारे में अलग देखोगे कि इन्होंने पिछले 5 साल में या फिर अपने कार्यकाल में इन्होंने क्या 5 अच्छी चीज़ें करी थी, क्या 5 बुरी चीज़ें करी थी, और जो करंट पार्टी चल रही है वो क्या अच्छी चीज़ें बुरी कर रहे हैं या बुरी चीज़ें कर रहे हैं, मैं जिस पार्टी को चुनने जा रहा हूँ वो क्या अच्छी चीज़ें कर सकती है क्या बुरी चीज़ें कर सकती है, तभी आप करेक्ट पॉलिटिकल पार्टी को चुन पाओगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज के टाइम पे मुझे जो सबसे बड़े मुद्दे लगते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो कंट्री लेवल पे हो, स्पेशली कंट्री लेवल पे, तो सबसे बड़े जो दो मुद्दे हैं यूथ के लिए हमारे लिए वो है, पहली चीज़ ड्रग्स और दूसरी चीज़ क्राइम या फिर हमारी सेफ्टी।
तो मुझे ये लग फील होता है कि जो भी पार्टी, जो लोग ड्रग यूज़ कर रहे हैं या फिर उनको फैला रहे हैं, उनका यूसेज फैला रहे हैं, उसको अगर वो बंद कर रही है तो वो सबसे बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। जो भी पार्टी क्राइम को दबा रही है, लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है जिनके अंडर में क्राइम करने की, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो डेवलपमेंट है वो इन दोनों चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा 80% से भी ज़्यादा निर्भर करता है। क्योंकि अगर किसी भी स्टेट में या किसी भी सिटी में आप ड्रग यूसेज ज़ीरो कर दोगे, नशा आप ज़ीरो कर दोगे, उसके अलावा वहाँ पे क्राइम आप ज़ीरो कर दोगे, तो वही स्टेट सबसे ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी कंट्री में कौन सी स्टेट लिटरेसी में नंबर वन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एम्प्लॉयमेंट में कौन सा स्टेट नंबर वन है। जिस भी स्टेट में ये दोनों चीज़ें ज़ीरो होगी ना, आने वाले टाइम पर बहुत जल्दी ही वो नंबर वन पर आ जाएगा और बहुत लंबे टाइम तक वही नंबर वन पर रहेगा। उसी स्टेट के लोग सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट और प्रोग्रेस करेंगे जहाँ पर ड्रग यूसेज मिनिमम होगा और जहाँ पर क्राइम मिनिमम होगा दोस्तों। उसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं दोस्तों, टैक्स की आवाज़ उठाते हुए बहुत सारे लोगों को तो आपने देखा होगा, चाहे वो डिबेट्स में हो चाहे वो रियल लाइफ में हो, और उसमें से 90% लोग वो होते हैं या 100% लोग वो होते हैं जो कभी टैक्स जिन्होंने लाइफ में गवर्नमेंट को दिया ही नहीं है, ठीक है। तो वो बिल्कुल बेबुनियाद सवाल उठाते हैं सरकार से, पहले भाई तुम टैक्स तो दो, पहले जा करके तुम घर के बाहर तो निकलो, तुम घर के बाहर जा करके पंचर बना रहे हो, तुम घर के बाहर जा करके ठेला लगा रहे हो, उसके बाद जैसे ही तुम्हें मौका मिल रहा है अपना ठेला तुम किनारे लगा रहे हो और तुम दंगे करने पहुंच जा रहे हो। तुम टैक्स पेयर, तुम टैक्स तो गवर्नमेंट को दे ही नहीं रहे हो, तुम गवर्नमेंट को सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारा बात करने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो एक्चुअल में जो टैक्स पेयर्स हैं हमारी कंट्री के, उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर हम टैक्स दे रहे हैं, सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं टैक्स दे रहा हूँ लेकिन मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, तो ये मेरी भी गलती है, क्योंकि मुझे ये ध्यान देना चाहिए, मुझे गवर्नमेंट के कामों पर चेक करना चाहिए कि जो भी मैंने टैक्स दिया है उसका यूसेज गवर्नमेंट कहाँ कर रही है, जो काम मैं गवर्नमेंट से करवाना चाहता हूँ उनमें हो रहा है या फिर फालतू की चीज़ों में हो रहा है। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले बस लास्ट मेरा मैसेज ये है, एक मूवी रिलीज़ होने वाली है, द कश्मीर फाइल्स, जिसका कि आप ये पोस्टर देख रहे हो, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी इसके डायरेक्टर हैं। और अगर कुछ चुनिंदा दो चार मैं डेयरिंग और क्वालिटी फिल्म मेकर्स की बात करूं बॉलीवुड के, क्योंकि बॉलीवुड आपके बारे में पता है कचरा मूवीज़ बनाता है, वही प्योर मसाला मूवीज़ होती हैं पैसे कमाने के उद्देश्य से, जो ना आपका भला करने के लिए होती है ना कंट्री का भला करने के लिए होती है। तो कुछ दो चार जो ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स हैं उनमें से एक हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिन्होंने ये मूवी बनाई, जिनकी पिछली मूवी द ताशकंद फाइल्स मैंने देखी थी, और जिन्होंने बहुत जिसमें बहुत ही बहादुरी से बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की या बिना किसी और बिना अपनी सेफ्टी की परवाह करते हुए उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के मर्डर का मुद्दा उठाया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो उन्होंने कंट्री के लोगों के सामने रखने की कोशिश करी, जिससे सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी बचने की कोशिश करती हैं नहीं पता क्यों। और जो फैक्ट इंडियन गवर्नमेंट को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में या अथॉरिटीज़ में हो, उनको फिर से इन्वेस्टिगेशन बैठानी चाहिए, और लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के पीछे, उनके मर्डर के पीछे किन लोगों का हाथ था और वो सुसाइड था, मर्डर था या फिर क्या था, उससे रिलेटेड फैक्ट लोगों के सामने रखने चाहिए। उन्होंने दूसरी मूवी रिलीज़ करने जा रहे हैं द कश्मीर फाइल्स, और ये भी उनका बहुत ही ब्रेव मूव है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं इस मूवी के पीछे दो उद्देश्य क्या हैं, पहला उद्देश्य तो उनका ये है कि कश्मीर में जो भी हुआ था, कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ था, डेमोग्राफी चेंज करने की जो कोशिश करी गई कश्मीर की, उसकी रियलिटी उन्होंने सबके सामने रखने की कोशिश करी है। दूसरा ये जो बाहरी ताकतें हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न नेशन से जो पैसा हमारे सो कॉल्ड NGOs को आता है, और इन NGOs को जो पैसा करोड़ों में, हज़ारों करोड़ रुपए में आता है, वो आता है हमारी गवर्नमेंट को दबाने के लिए, ताकि हमारी गवर्नमेंट कोई भी प्रोग्रेस ना कर पाए, कोई भी हमारी कंट्री के डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम ना कर पाए, मेनली US से या फिर यूरोपियन कंट्रीज से। तो उन लोगों ने जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था यहाँ पर, उसको बहुत अपोज किया था, और उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। तो बहुत सारे कश्मीरी पंडित हैं, इंक्लूडिंग अनुपम खेर जो कि खुद भी एक कश्मीरी पंडित हैं, खुद भी भगाए गए थे कश्मीर से, उन सारे लोगों की जो रियल इंसिडेंट जो उन्होंने देखे हैं उनको मिला करके उन्होंने पिक्चर बनाई है। ये स्पेशली वेस्टर्न लोगों के लिए या फिर उन लोगों के लिए मूवी उन्होंने बनाई है जिनको रियलिटी नहीं पता है, और जो कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है और उसका उसके अगेंस्ट में उसका विरोध करते हैं और गवर्नमेंट को दबाने की कोशिश करते हैं, हमारे कंट्री को दबाने की कोशिश करते हैं, तो उनको रियलिटी दिखाने के लिए मूवी बनाई है। तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिएगा और इसको ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करिएगा कि ये मूवी कैसी है, कैसी नहीं है।
तो दोस्तों ये मेरा लास्ट मैसेज था, और अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए बनाता रहूँ।